क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखी बातों को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक सरल और दिलचस्प बातों से लेखक टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। कैसे गाने गुनगुनाकर आप चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। किसी से बात करते समय आप अपनी सिचुएशन को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो जीवन के प्रति आपके नज़रियों को कैसे दर्शाते हैं। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि कैसे बस डिनर टेबल पर अपनी आदतों को बदलकर आप समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और समय पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का या वजन कम करने का, डाइट पर जाने का, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो आपको याद ही होगा, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी बार फॉलो किया? नहीं किया ना। सारी समस्याओं की जड़ ही यही है कि हमारा मन किसी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए ये आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फैसले पर कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करें। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आई जो कि उनका रास्ता रोक सकती थी। जैसे कि एक रुकावट ये थी कि वर्ल्ड वार टू के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं दृढ़ फैसलों के कारण होंडा ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आप भी अपने फैसलों पर अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी स्मोकर को पहली बार सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर अगर वो अपने फैसले पर अड़ा रहा तो सिगरेट जरूर छोड़ सकता है। किसी भी नई आदत को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से जरूर जोड़े। लेखक कहते हैं कि ये हम सबको पता होता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पे चलना है, पर कई बार दृढ़ निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद रखता है। तो इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदत को बुरे अनुभव के साथ जोड़कर उसे बदल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको अपनी चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है तो आप ये तय करें कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे आपको एक बेसुरा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में ही क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपका दिमाग खुद ब खुद ही आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग उसे गाना गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ लेता है। ऐसा करने के साथ ही साथ आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वहीं सुखद अनुभव कराए, जैसे कि चॉकलेट की जगह आप कोई पसंदीदा फल खा सकते हैं। किसी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलने की तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन ड्रग एडिक्ट्स ने अपनी ड्रग्स की आदत को किसी और आदत से बदल लिया उन्हें ड्रग्स छोड़ने में आसानी हुई। ये बात कोई भी हो सकती है, जैसे कोई हॉबी या किसी के साथ प्यार। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। सोचिए दो लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हो, उनमें से एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं। अब बस कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में,
जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसने जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है, उसके पास उससे जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दो एक ही उम्र के लोगों नजरियों को इतना अलग करता है? वो है इनकी सोच। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए जरूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इसी तरह मान लो हमें जिंदगी में लगातार दो चार बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया या हमें कोई नाकामयाबी हासिल हुई, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये बस दुखों से भरी हुई है। लेकिन लेखक का इस बारे में ये कहना है, क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो तो हम उसका बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गई तो आगे अभी सामना कर सकती। बस ऐसे ही जिंदगी की हर एक घटना को अगर हम किसी पॉजिटिव के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैये को बदल सकते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें से ज़्यादातर किसी न किसी नेगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारी सोच भी अपने आप वैसा ही हो जाती है। जैसे कि सोचें कि अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हों और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर खराब हो गई और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करें तो गुस्से और झुंझुलाहट की जगह आप बस इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफर था। बस इतनी सी बात से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभव को ज़्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभव को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं तो कहें, आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। देखिए कैसे शब्दों के फेर बदल करने से ही उसके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाएं में भी महसूस करेंगे। अपनी समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें। अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराई में झांक करके जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ एक दो बार कुछ गलत हो गया तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा है तो वो क्या है, कहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करूँ। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शुमार कर लें, फिर देखें इंसानी दिमाग को जैसे सवाल वैसे जवाब देने की आदत है, तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डाल लें। अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता से जिए। क्या आप पक्के तौर पर ये बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोगों को पता होता है कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है
कि आपने जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये डिसाइड कर लें कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा जरूरी है कि परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसले को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में ये तय ही नहीं किया कि क्या चीज़ उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और जरूर सफल होते हैं। इसलिए जिंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और याद रहे, इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। अपनी जिंदगी के नियम ऐसे बनाएं जो आपको खुशी दे, और अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में जरूर बताएं। जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारा दिमाग उसे अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर खुशी मिलती है, किसी को अपना सच्चा प्यार पाकर। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं, तो अपनी खुशियों के लिए आप अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें वो रूल्स किसी पर निर्भर न हो। जैसे कि जरूरी नहीं कि किसी अच्छे काम पर आपको दूसरों की तारीफ से ही खुशी मिले। आप रूल बनाएं कि आप खुद को हर अच्छे काम के बाद कुछ गिफ्ट करेंगे। और दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आप अपने किसी करीबी से कुछ उम्मीद करते हैं तो उसे ये बात जरूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के नियम अलग होते हैं। जैसे कि मान लो आप अपने दोस्त से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको रेगुलर कॉल करे, तो आप उसे ये बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके कॉल ना करने को उसकी बेरुखी समझ रहे हो, लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से सच्ची दोस्ती में फ़ोन कॉल का ज़्यादा महत्व ना हो। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना जरूरी है। अब आप जान गए हैं कि अपने जीवन के रूल्स में फेरबदल करके आप कैसे खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियां ही नहीं, आप अपने हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आइए देखें कैसे। इस सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशंस के पीछे का असली कारण जान लें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज़ से चीढ़ आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे कि इसका कारण क्या है। लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता लगता है कि आप थके हुए थे इसलिए चिड़चिड़े हो गए, थोड़ा आराम करके सब ठीक हो गया। इसी तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी या इमोशन का कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नेगेटिव इमोशंस को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशंस हमारे ज़िंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इमोशन कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं, इसलिए हर इमोशन का अपना महत्व है। बस जरूरत है तो दोनों को प्रॉपर बैलेंस बनाने की, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर ना पड़े। एक बार आपने अपने इमोशन का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा जो कि उस इमोशन की जड़ है। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे केस में हम अपने आपको पॉजिटिव तरीके से समझा कर अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर भी कभी आपको लगे कि इस बार इमोशन पर कंट्रोल पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो वक्त जब आपने ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार के लिए आपको खुद ब खुद ही हिम्मत मिल जाती है। अपने अंदर के बदलाव से समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश करें। अभी तक के लेसन्स में आपने सीखा कि कैसे अपने विचारों, आदतों और सोच पे कंट्रोल करके आप खुद को सफल और खुश बना सकते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आप चाहे खुद को कितना भी बदल लें पर आप समाज को नहीं बदल सकते, और उसे बदले बिना आप सफलता और खुशियां अधूरी हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी समाज के बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो प्रभावशाली नहीं है, इसलिए उनके कुछ करने या ना करने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि बदलाव के जो नियम किसी व्यक्ति के लिए है, समाज पर भी वही नियम लागू होते हैं। उदाहरण के देते हुए लेखक कहते हैं,
कि अगर आप अपनी सेहत के लिए बीफ खाना बंद करते हैं तो बड़े तौर पर आप बीफ की डिमांड को कम करने में मदद कर रहे हैं। अगर बीफ की डिमांड कम होगी तो जमीन बीफ के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, वहाँ आलू या अन्य कोई सब्जियाँ उग सकती है, कई भूखे लोगों का पेट भर सकता है। या दूसरा तरीका यह है कि अब जब आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया तो आप दूसरों को भी ये सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने किसी दोस्त को उदास देखें तो चुप रहने के बजाय बस यूं ही उसकी तारीफ करके उसे खुश कर सकते हैं, और अगर कुछ ना हो पाए तो बस अपने खुश और मुस्कुराते चेहरे से मिलने वाले हर एक इंसान का दिल बना सकते हैं। कुल मिलाकर अपने आप में लाया गया छोटे से छोटा बदलाव भी आपके जीने के तरीकों को बदल सकता है और समाज में किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। तो आज की बुक स्टडी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसा लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप नेक्स्ट कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।